अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल एसन ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहा हूँ जोंग फोर जी की तरफ से अनाउंस की गई बेशुमार पोस्टों का। उनकी वैकेंसीज को हम जाकर चेक करेंगे, कौन कौन सी नई वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, क्या लास्ट डेट है और क्या उनका अप्लाई करने का क्राइटेरिया होगा, एवरीथिंग इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स, कमाल के अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो ज़रूर लाइक करें और एंड तक ज़रूर चेक करें। जोंग 4G पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, कमाल की सर्विसेज है इनकी, ठीक है। इंटरनेट वगैरह कमाल के इनका इंटरनेट होता है इनका, ठीक है। इनमें जो जॉब्स वगैरह डेली बेस पे आती रहती हैं, जो राइट नाउ जो इनकी जो कैरियर पोर्टल इनका चेक करते हैं कौन कौन से वैकेंसीज आई है, आपको उनके बारे में तफसील से गाइड किया जाएगा। तो वीडियो ज़रूर एंड तक चेक कीजिएगा। हमने जोंग कैरियर पोर्टल इनका ओपन कर लिया है। नंबर वन डाटा इनका कोई शक नहीं, जिसमें इनके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को हम चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर लर्न नाउ पे, लर्न मोर पे क्लिक करते हैं, चेक कर लेते हैं कौन कौन नई वैकेंसीज अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। इनका कैरियर पोर्टल में ओपन कर लेते हैं। तो ओपन होने के बाद जोंग कैरियर में जो करंट पोजीशंस अनाउंस की गई हैं वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो जॉब वहाँ अनाउंस की गई है, सीनियर मैनेजर आईटी डाटा मैनेजमेंट एंड डाटा साइंसेस की जॉब है। जॉब टाइप परमानेंट है। कैरियर लेवल होगा मैनेजरियल लेवल होगा, इस्लामाबाद लोकेशन के लिए। डिपार्टमेंट डिजिटल टेक्नोलॉजीज होगा। एंड्रेड इसकी 10 अप्रैल 2022 है। या व्यू एज अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद डिटेल्स की अवेलेबल हो जाएगी। हम इसको चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। जॉब टाइटल वगैरह सब डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल, जो हम पहले चेक करके आ चुके हैं। अप्लाई आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके मज़ीद डिटेल डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं इसको। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह आपको चेक कर सकते हैं, जो उसमें मेन बातें हैं एजुकेशन वगैरह वो हम चेक कर लेते हैं। बैचलर डिग्री और अबव रिक्वायर्ड किया गया है कंप्यूटर साइंसेस। स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड की गई है डाटा डिज़ाइन और डेवलपमेंट में, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस चेक कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है। मस्ट बी 1 ईयर आपका जोंग में आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके स्किल्स रिक्वायर्ड की गई हैं वो भी चेक कर लेते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह, आपके एनालिटिकल स्किल, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स वगैरह आपके, उसके अलावा आपका मैनेजमेंट जो स्किल्स आपकी वो रिक्वायर्ड की गई हैं, ठीक है। बाकी अप्लाई करने का तरीका चेक कर लेते हैं। आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। आप उसमें अपनी ईमेल वगैरह एंटर करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके सामने एक ऐसा पिंक कलर का कैरियर लॉगिन आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अपने ईमेल वगैरह, पासवर्ड वगैरह आप कोड एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे, आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगी अप्लाई करने के। इसके अलावा अगर आप न्यू यूज़र हैं, आप यहां से रजिस्टर्ड करेंगे अपने आप को, उसके बाद आप फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट अपनी जो पोस्ट वगैरह पर। तो नेक्स्ट जो पोस्ट है वो बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की है, ठीक है। जॉब टाइप जो होगा कॉन्ट्रेक्चुअल होगा थर्ड पार्टी का, ठीक है। एंट्री लेवल्स में होगा। कैरियर जो लेवल इसका, लोकेशन फतेह जंग के लिए। डिपार्टमेंट्स का कमर्शियल नॉर्थ वन होगा। लास्ट डेट इसकी 10 अप्रैल है। व्यू कर लेते हैं इसका मज़ीद डिटेल्स की, मज़ीद डिटेल चेक कर लेते हैं। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह आप चेक कर सकते हैं। एजुकेशन मिनिमम बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है, 3 साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद स्किल्स वगैरह सेल्फ मोटिवेटेड हो, एक्सटेंड कम्युनिकेशन स्किल्स हो। इसके अलावा आपके इंटरपर्सनल स्किल, कंप्यूटर स्किल वगैरह रिक्वायर्ड किए गए हैं। स्पेशल रिक्वायरमेंट नो है, ठीक है। इसके अलावा अप्लाई करने का तरीका एज इट इज़ सेम होगा। नेक्स्ट हम अपनी लास्ट वैकेंसी पे मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन सपोर्ट कोऑर्डिनेटर की है, कॉन्ट्रेक्चुअल थर्ड पार्टी की है। एग्जीक्यूटिव लेवल का करियर लेवल होगा, पेशावर की जॉब है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसका होगा। 13 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। व्यू एस अप्लाई पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन रीड आउट कर लेते हैं इसकी। ओपन होने के बाद हम चेक कर लेते हैं। अब एजुकेशन वगैरह छूट भी बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है। प्रेफरेंस आपका BE इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड किया गया है। इसके अलावा 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस। उसके नेगोशिएशन स्किल्स वगैरह रिक्वायर्ड की गई है। प्रेजेंटेशन स्किल्स रिक्वायर्ड की गई है। MS ऑफिस में आपकी कमांड वगैरह उन्होंने
स्किल्स रिक्वायर्ड किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अप्लाई करने का तरीका एज इट इज सेम होगा। हम मज़ीद चेक कर लेते हैं कि जोंग कैरियर में अगर आप इसके अलावा जो जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स वगैरह हैं, अगर आपका लेस देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस या मोर देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास अवेलेबल है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं आपने कहाँ से जाके इसमें अप्लाई करना है। थोड़ा टाइम लेगा थोड़ा लोडिंग होने में, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल एंड अप्लाई नाउ पे जब लास्ट पे आप आएंगे, आपको क्लिक ऑप्शन आएगी, यहाँ पे क्लिक नाउ का ऑप्शन होगा, इस तरह का ना साइन बना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको साइन ऑन करेंगे, साइन इन करेंगे, या अगर आप न्यू यूज़र हैं रजिस्टर्ड करके जैसे आप पहले अप्लाई करेंगे वैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका उसका होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तरीका वही सेम होगा जैसे पहले हमने किया, आप न्यू यूज़र जो हैं रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, तो बाकी अप्लाई करने का तरीका ऐसे सेम होगा। आप सीवी ड्रॉप करें इस तरह का, अगर सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करें, ठीक है। इसके अलावा आप सबमिट करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे आपकी जो जिसके लिए अप्लाई करना होगा आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी मज़ीद आपकी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड की आपसे की जाएंगी आगे जाके, ठीक है। तो बेसिकली गाइस ये था जोंग का करियर पोर्टल, आज हमने इसको डिटेल में चेक किया। तो आपसे उम्मीद है कि गाइस आप ख़ुद भी इसमें अप्लाई करेंगे, साथ दूसरों को भी अप्लाई करने का कहेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे वीडियो ताकि आपको डेली अपडेट्स चैनल की तरफ से मिलती रहें। ज़रूर शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।